खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। रुके हुए कार्य पूरा कीजिए, इस दिन काम बनेंगे आपके, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, यात्रा में जब आप जाएं तो जरा अपना ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? एक छोटा सा उपाय है, बस हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, लाल पुष्प उन्हें भेंट कीजिए और मन को शांत करके काम पर जुट जाइए। आज का दिन बहुत अहम है। वृषभ राशि, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा वक्त है, अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ये दिन धन आदि के लिए भी अच्छा है, बस एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी। इस दिन अपनी पीठ का ख्याल रखिएगा और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। एक छोटा सा उपाय, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, सफेद पुष्प उन्हें भेंट कीजिए, काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है, मित्र नाराज हो सकते हैं, छोटी सी सावधानी रखिएगा वाहन चलाने में और उधार देने में। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, मन लगेगा नहीं, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, थकन महसूस करेंगे। यह दिन दुश्मनों के लिए अच्छा है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन मुंह से कोई खराब बात मत निकालिए। उपाय क्या करेंगे? माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, माँ काली की उपासना कीजिए, सब ठीक अपने आप हो जाएगा। सिंह राशि, प्रतिष्ठा के लिए यह दिन अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। इस दिन आप प्रमोशन की बातचीत भी कर सकते हैं, विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन एक सावधानी जरूर, इस दिन अति उत्साह में कोई गड़बड़ मत कर दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य थोड़ा सा धोखा दे सकता है। उपाय क्या करना है? महामृत्युंजय का जप कर लीजिए या ओम रुद्राय नमः का जप कर लीजिए और हल्का भोजन इस दिन खाइएगा, पानी खूब पीजिएगा। तुला राशि, नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, यह दिन प्रेम प्रसंगों के लिए भी बहुत अच्छा है, मंगल कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। जिन लोगों को पेट से पैरों तक दिक्कत रहती है, वह लोग अपना विशेष रूप से ख्याल रखें और वाद विवाद में नहीं उलझे, नहीं तो आप हारेंगे। उपाय क्या करना है? इस दिन खीर का दान जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि, संभल के चलने में ही इस दिन लाभ होगा, इस दिन वाहन भी बहुत ध्यान से चलाइएगा और आग से दूर रहिएगा। इस दिन कोई बड़े निर्णय नहीं लीजिएगा और सलाह देने से बचिएगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन जहां वाहन खड़ा करें, वहां सोच समझ कर खड़ा करें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानी और नुकसान से बचने के लिए, आप 5 फल और शहद का दान मंदिर में जरूर कर दें। धनु राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है, इसलिए फैसले बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अति उत्साह में किए गए कार्य से नुकसान हो सकता है, कागज बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही हस्ताक्षर कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों को नाराज नहीं करना है, नहीं तो भाग्य पक्ष बिल्कुल साथ नहीं दे पाएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ा सा बेसन और कच्चा दूध लेकर उसका तिलक धारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, ये दिन थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, दुर्घटना के योग बन रहे हैं, पशुओं से भी थोड़ा सा बच के रहना होगा। एक छोटी सी सावधानी रखिएगा, इस दिन आपका कोई धन का दुरुपयोग करवा सकता है, बचें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन काला और नीला वस्त्र ना पहने और इस दिन मैं चावल का और दूध का दान जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन है ये, विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन अच्छा है, इस दिन की गई तैयारी से आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, यदि आप सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इसलिए जो बोले वो बहुत सोच समझ कर बोले, आपको आज लोग गलत तरीके से ले सकते हैं, इसलिए आप बस शांत रहें, धैर्य रखें, रिएक्ट ना करें। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें।
मीन राशि, ये दिन अच्छा है, लाभ तो मिल सकता है लेकिन लाभ टिकेगा नहीं। आर्थिक लाभ हो सकता है लेकिन धन टिकेगा नहीं, इसलिए या तो उसे सेफ डिपॉजिट में कहीं रख दीजिएगा और या फिर उसको कहीं और लगा दीजिएगा, ऐसी जगह जहां से वह मल्टीप्लाई हो सके। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, एक तो धैर्य धारण करना है, क्योंकि जो भी कार्य है बनेगा जरूर लेकिन धीमे धीमे बनेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि इस दिन बेसन का दान अवश्य कर दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइएगा। सब ठीक हो।